नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कल के सेशन को आप दो भाग में बांट सकते हैं, पहले कमजोरी और उसके बाद शानदार तेजी, शानदार शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बैंग, एफआईएस के आंकड़े एक बार फिर से जोरदार। आपकी रणनीति क्या हो मेटल्स पे, आपकी रणनीति क्या हो बैंक्स पे, बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से, और उसकी सबसे अगर आप देखें जो एक पैनी घड़ी होती है वो होती है एसिक्स निफ्टी। सबसे पहले अगर आप देखें जो आई थिंक इंडिकेटर होता है हमारे लिए वो होता है एसजेएस निफ्टी। इसी को हम चूज करते हैं और ये करीब करीब 28 अंकों पर 7562 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कल जो हुआ उसके बाद आज हमारी रणनीति क्या हो सकती है, और ये अगर रणनीति कुछ नहीं भी है तो हम किस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, आइए एग्जैक्टली मैं देखता हूँ। देखते हैं कि आज हम आउटलुक क्या लेकर चलते हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट हैं और आपने कल शॉर्ट कवर नहीं किया है तो 7580 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर होगा, क्योंकि इसके बाद 7580 के बाद शॉर्ट कवरिंग बाजार में काफ़ी अच्छी आ सकती है, शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो 7580 आप अगर शॉर्ट हैं तो आपका स्टॉप लॉस बरकरार होना चाहिए। 7580 के ऊपर हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, और याद रखिए आज निफ्टी बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होगा वो होगा 15500 का। तो बैंक्स एक बार फिर से थीम बनेंगे इस बाजार की अगर 15500 कटता है तो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत दीपाली आज कैसे हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जिस पर मैं बात करूंगा उसको आइए देखते हैं एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स को मैं आज चेज करने की कोशिश करूंगा, जहां पे कल कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट्स थे, जहां पे कल कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखाई दे रहा था। HDIL, Hexaware, IGL, Infosys, IRB Infra, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर देखिए ट्रेडिंग गेन बहुत शार्प नहीं थे, लेकिन चार्ट्स एक ऐसी जगह आके बैठ चुके हैं जहां पर पैसा बनाने की गुंजाइश है। वक्रांगी, द्वारिका शुगर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इंडोरामा, ये कुछ काउंटर जहां पर मूव था, लेकिन पेनिनसुला लेड कल बैकफुट पे था, इसके बारे में बात करूंगा कल के सेशन में जहां पर मूव देखने मिला। कुछ और शेयर्स जिन पर फोकस रहेगा अगले एक घंटे के दौरान वो आपकी स्क्रीन पर है, माइंडट्री, जेट एयरवेज, रिलायंस इंफ्रा, एक्साइड और ICICI बैंक, इन सभी शेयरों पर हम चर्चा करेंगे। खबरें भी हैं, कुछ जो प्राइस भी हो रहा है बीते सेशंस का उसके लिहाज से इन स्टॉक्स को पिक किया गया है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में जोरदार मोमेंटम था कल, अशोक लेलैंड पर बातचीत होगी, टाटा एलेक्साइड, LIC हाउसिंग, SL इंफोसिस्टम्स और येस बैंक, इन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सीधे न्यूज रूम संदीप के पास और उनसे ये जान लेते हैं कि जो इंटरनेशनल क्यूज हैं आज के लिए वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, US, एशिया, यूरोप क्या इंडिकेशंस हैं आज के लिए? मॉर्निंग दीपाली, तेजी के इंडिकेशंस है और कल का जो मोमेंटम था इंडियन मार्केट्स का वो शायद जारी रह सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव है। यूएस में अगर आप देखें भले लो वॉल्यूम के साथ कारोबार होता है, लेकिन आधे परसेंट की तेजी के साथ यूएस के मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिली। एनर्जी शेयर इसे लीड कर रहे थे, करीब 1.5% के आसपास का मूव वहां देखने को मिला, और कच्चा तेल जिस तरह से वहां लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली और 5% के आसपास की मजबूती लेकर कच्चा तेल बंद हुआ, वही एक ट्रिगर सबसे बड़ा यूएस के मार्केट्स के लिए बना। ब्रेंट क्रूड अगर आप देखें $41 के आसपास है, और NYMEX क्रूड अगर आप देखें $38 के ऊपर के लेवल्स वहां देखने को मिले हैं। क्रूड की इन्वेंट्री के डाटा आए थे वो अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन जिस तरह से गैसोलीन की इन्वेंट्रीज में कमी आई है वो करीब 45 लाख बैरल घटी है, उससे एक ट्रिगर मिला कच्चे तेल को, जिसकी वजह से बड़ी तेजी वहां देखने को मिली। इसके अलावा कुछ अटकलें ऐसी भी है बाजार में कि 20 मार्च को ओपेक और जो नॉन ओपेक देश है उनके बीच में जो आउटपुट फ्रीज है उसको लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है, कुछ बैठक हो सकती है, ऐसी अटकलें थी बाजार में, जिसकी वजह से कच्चे तेल को एक बड़ा पुश मिला, जिसकी वजह से एनर्जी शेयरों ने बाजार को काफी ज्यादा लीड किया। साथ ही साथ एक ग्लोबल इवेंट आज है, ECB की बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें माना जा रहा है कि स्टिमुलस को लेकर बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं, इसने भी बाजारों को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आधे परसेंट के आसपास की तेजी लेके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। ऐसे ही कुछ रुझान यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिला, एक तो कच्चे तेल का सहारा था, दूसरी और मेटल, जहां पे हमने परसों बड़ी गिरावट देखी थी वहां कुछ लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तो मेटल माइनिंग शेयरों ने तेजी को लीड किया, ग्लेनकोर, BHP ब्रिटेन जैसे शेयर 2-2.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए, और ECB की जो बैठक है उसको बाजार साफ तौर पर मिरर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एक तो जो स्टिमुलस की मियाद है उसे बढ़ाया जा सकता है, जो टाइम फ्रेम है उसे बढ़ाया जा सकता है, और जो स्टिमुलस का अमाउंट है उसमें भी शायद एक इजाफा किया जा सकता है, और डिपॉजिट की दरें जो कि नेगेटिव साइड पे हैं उनमें और कटौती की जा सकती है मारियो द्रागी की ओर से। तो इसके ऊपर क्या फैसला निकल के आता है इसको बाजार मिरर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी उम्मीद में यूरोपियन मार्केट अच्छे बंद हुए, इसीलिए एशिया भी अच्छा खुला है। एसजेएक्स निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है कि आज जो की लेवल है 7550 का उसके ऊपर शायद आज आप कारोबार करते हुए देखेंगे, तो इसलिए आज से कल का मोमेंटम आज भी जारी रहने की उम्मीद है। शुक्रिया संदीप आपका। तो इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज है वो एनकरेजिंग है, यूएस मार्केट्स आधा परसेंट के गेंस के साथ क्लोज हुए हैं, यूरोपियन मार्केट्स की भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और एशियन मार्केट्स भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और एसजेएक्स निफ्टी करीब करीब यहाँ पर 30 अंकों के आसपास के बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। बीते 6 सेशंस में लगातार हम बढ़े हैं और इस बढ़त में FIIs की ओर से भी पार्टिसिपेशन आया है, 7531 के आसपास क्लोजिंग हुई है कल निफ्टी की। आज के लिए स्ट्रेटेजी आप क्या रेकमेंड करेंगे निफ्टी ट्रेडर्स को, और जो मोमेंटम बना है 6 सेशंस में ये अभी आप मानते हैं कि सस्टेन करेगा, स्ट्रेच हो सकता है? और देखिए, पिछले हफ्ते हमने करीब 500-600 पॉइंट का एक बड़ा रैली देखा था,
उसके बाद पिछले दो दिनों में हमने 7500 के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा। मैं समझता हूँ कि पिछले दो दिनों के जो ट्रेडिंग पैटर्न थे वो एक तरह से साइडवेज करेक्शन था, और कल जब निफ्टी ने 7500 के लेवल्स को ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो कन्फर्मेशन था साइडवेज करेक्शन का खत्म होने का। ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है और जब तक निफ्टी 50 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 7400 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड करता है, मैं समझता हूँ कभी भी कोई भी करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। जहाँ तक बात आज की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 7480 के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कम से कम 7650 ये टारगेट सेट करके चलें। मेरा मानना है कि शायद आने वाले टाइम में और बेहतर प्राइस देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं निफ्टी 7750 और 7800 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 7800 200 दिनों का मूविंग एवरेज है।